कोशिश है जल्दी आ जाएगी। जब हम यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आए थे वाराणसी जिले के ग्राम जगदीशपुर में, बिजली की काफ़ी समस्या थी। यहाँ तक कि 25 सालों में ये लोग अब तक कोई मिस्त्री वगैरह नहीं देते थे, लेकिन जब हम यहाँ वीडियो बनाने आए तो हम काफ़ी लोगों से बातचीत किए। बिजली नहीं रहने से क्या समस्या है? कितने लोग होंगे जिनके घरों में लाइट नहीं होगी? हम लोग के घर में देखते हैं, कोई किसी को भी नहीं। वो घर देखो 3-4 लोग हैं, वो न जाने यहाँ इधर का प्रधान कैसा है कि लाइट की कुछ भी समस्या नहीं करते हैं। हम लोग के बच्चे भी पढ़ भी नहीं पाते हैं। आपके आने से बहुत खुशी है, मैंने 10 साल से परेशान हुआ था लाइन के विषय में। अब बच्चे लोग बहुत खुशी हैं, अब सब हंसते हैं, हवा लेते हैं, पंखे लेते हैं, बत्ती जल रहा था, सब खुशी हैं बच्चे अब। मैडम जी, आपके आने से देखिए हमारे यही ट्रांसफार्मर से हम लोग के घर में बत्ती भर गया, और हम लोग की लड़की तो दुर्गा नगर रोज दौड़ दौड़ कर जाती है और चार्ज करने के लिए, लेकिन भी मोबाइल नहीं चार्ज होते। आपके आने से कितनी हम लोग के घर में खुशी हुई। दीदी, हम जब आप नहीं आई थी तो हम लोग अंधेरे में पड़े थे, लाइट हो गई तो अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। प्रधान जी भी इसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, उन्होंने भी मेरे साथ काफी भागदौड़ किया, और डीएम से इसके डीएम जी के पास जाके वहाँ पे आवेदन पत्र डाला, और उनकी सहमति से यहाँ पे खंभा आया और गड़ा और बिजली लगी। समझन जी के आते ही हमारे गांव के लोग धीरे धीरे जागरूक हो गए। समनम हमारे पास हमारे घर गई, हमारे से बातचीत की कि प्रधान जी इस गांव में लाइट क्यों नहीं आती है, तो हम भी इस बात पर ध्यान दिए शबनम को, और उनके साथ मिलजुल कर हम लोग बहुत जल्द से जल्द इस गांव में लाइट लाने का प्रयास किया और लाइट आई। जब मैं यहां पे देखी थी 25 सालों से ये लोग लाइट नहीं देखे थे, तभी मेरे देखने का नज़रिया अलग था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं, यहाँ पे बदलाव होना चाहिए, बिजली आनी चाहिए। फिर हम लोगों से मिलके बातचीत की और आज यहाँ पे बिजली आई है और लोगों के चेहरे पे बहुत खुशी हुई। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।